मलेशिया में हैं और अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप टैक्सी ले या ग्रैप ले, क्योंकि उस चीज़ में आपका खर्चा भी ज़्यादा होता है। और अगर आप बस लेते हैं तो उसमें आपका खर्चा कम और आपको देखने मिलता है कि कहाँ किस जगह क्या है, और सबसे ज़्यादा आपको थोड़ा बहुत अगर 1 किलोमीटर का फासला है, 500 मीटर का फासला है, तो उसके लिए आपको टैक्सी लेने की ज़रूरत नहीं है, आप पैदल भी कवर कर सकते हैं। तो गाइस एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप मलेशिया में और आप पेलांग आइलैंड में हैं तो आपको हर 1 किलोमीटर या 500 मीटर की दूरी पे आपको टेंपल या चर्च या मस्जिद देखने को मिल जाएगा। जैसे कि ये आप मेरे बगल में देख सकते हैं, ये हिंदू टेंपल है, ये देखिए। अभी यहाँ पे एक टेंपल है और दूसरे टेंपल में मैं जा रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा दूर पे नहीं है, अपना 900 मीटर ही रह गया है। तो ये है टेंपल का मेन गेट, और यहाँ से थोड़ा सा आगे जाने के बाद स्टेयर शुरू होंगी और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके की है। तो चलिए पहले अंदर चलते हैं। तो यार देख के अजीब लगता है कि यार किसी मुस्लिम कंट्री में भी हिंदू का इतना दबदबा हो सकता है, अमेजिंग। तो एक और चीज़ है, जो कोई ऊपर नहीं जा सकता उसके लिए यहीं पर अंदर टेंपल बनाया गया है, क्योंकि जो मेन चैलेंज है यहाँ से ऊपर जाने का वो है यहाँ की ये 513 सीढ़ियाँ, या कि अगर किसी को यहाँ से ऊपर जाना है तो 513 स्टेयर्स उसको चढ़नी होगी, तब जाके आप मेन मुरुगन के मंदिर में जाकर पहुँचेंगे। या आधा रास्ता और ऊपर है जो कि स्टेयर चढ़नी है मेरे को, 513 सीढ़ियाँ। चलिए शुरू करते हैं। लगभग 150 सीढ़ियाँ चढ़ी है मैंने और अभी से सांस फूलने लगी है मेरी। लकीली मैं पानी का बोतल लेकर आया हूँ, जो कि मैं अभी थोड़ी देर में पीऊँगा, पसीना भी बहुत आ रहा है। सो टेंपल वो देखिए वहाँ ऊपर दिख रहा है, मुझे वहीं पर जाना है। हालांकि ऐसा नहीं है कि हर जगह स्टेयर स्टेयर्स है, कहीं पे ऐसा प्लेन भी है जहां आप आसानी से चल सकते हैं। यहां पर जितने भी इंडियन लोग हैं वो तमिल लैंग्वेज बोलते हैं और तमिल से हैं, वो लोग तमिलनाडु से हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहां पर हर इंडियन हिंदी लैंग्वेज ही बोलेगा। तो लगभग 250 सीढ़ियाँ मैं चढ़ चुका हूँ और जितना टाइम मुझे नीचे से आने में लगा है लगभग 20 मिनट तो ज़्यादा हो गया, शायद 10 से 15 मिनट मुझे लगा है, और इतना ही टाइम मुझे शायद ऊपर पहुँचने में और लगेगा। तो वो एक और बार नज़ारा दिख गया है टेंपल का, बिल्कुल सूरज के आगे है ये, जो कि यहाँ से बहुत बेहतरीन दिख रहा है। बस थोड़ा सा और, बहुत दिनों बाद मंकीज मुझे देखने को मिले हैं यहाँ पर। एक चीज़ जो यूनिक चीज़ यहाँ पर, अच्छी चीज़ यहाँ बनाई है
वो ये है कि ये रास्ता जो है आने के लिए है और ये रास्ता जो है जाने के लिए, क्योंकि जब यहाँ पर त्योहार चलता है तो बहुत भीड़ भड़ाका होती है, इसलिए किसी को चोट ना लग जाए या कोई दिक्कत परेशानी ना हो, धक्का मुक्की ना हो, इसके लिए इन्होंने रास्ता अलग अलग बनाया। ये रास्ता जो है वापिस आने के लिए है और ये वाला जो है ऊपर जाने के लिए है। लगभग 400 सीढ़ियां मैं क्रॉस कर चुका हूँ और मुझे पता है कल मेरे पैरों की हालत क्या होने वाली है। अगर आप 2 साल बाद क्लाइंबिंग कर तो जाहिर सी बात है कल आपके पैर दर्द होने ही होने हैं, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए चलते हैं। फाइनली मैं पहुंच गया हूँ टेम्पल में, तो ये है टेम्पल। और ये है मुरुगन जी का टेम्पल, इंडिया के बाहर वर्ल्ड का सेकंड टॉलेस्ट मुरुगन टेम्पल इन हेयर पेनांग मलेशिया। वाओ, अमेजिंग। ऊपर चलते हैं और देखते क्या है। तो ये है टेम्पल और भवन भी इसी में ही है, और ये सुबह 6:30 बजे खुलता है और दिन में 12 बजे ये बंद हो जाता है। उसके बाद 4:30 बजे खुलता है शाम को, और फिर उसके बाद 9:00 बजे ये बंद हो जाता है। वाओ, अमेजिंग, सुपर्ब। हेलो सर, हाउ आर यू? थैंक यू, अमेजिंग। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसकी ऊंचाई जो है 21 मीटर है, लेकिन इसको बनाया गया कब था, 1782 ईस्वी में, और लगभग 250 साल पुराना ये टेम्पल है जो कि आज भी स्थित है पेनांग आइलैंड के इस जगह पर। अभी इनसे अंदर जाने के लिए पूछा तो यार मना कर दिया, उन्होंने बोला अगर आपको अंदर जाना है तो आपको धोती पहननी होगी, शायद धोती बोलते हैं क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, वो पहनना ज़रूरी है, उसके बिना आप अंदर नहीं जा सकते, जीन्स में या फिर किसी और कपड़े में, तो ऐसा यहाँ का रीति रिवाज है। तो कोई बात नहीं, बाहर से ही मैं आपको दिखा रहा हूँ जैसा भी है, क्योंकि इनका कल्चर ही ऐसा है, तो इनमें हम कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ से नज़ारा जो है वो बड़ा खूबसूरत नज़र आता है पेनांग आइलैंड का, बहुत अमेजिंग। तो इसी के साथ मैं वीडियो का अंत करता हूँ, और वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। अगर आप फेसबुक में ये वीडियो देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, और अगर आप YouTube में देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।